तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर ले लेंगे. तो आई एम जस्ट राइटिंग द टॉपिक, है ना. बी बाय, बी इज मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर. दिख रहा है सबको? इनफाइनाइट लेंथ वायर. सो दिस इज द टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर. तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सपोज वी हैव अ इनफाइनाइट लेंथ वायर, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ओके. और हमें पी पॉइंट पे निकालना है, तो ऑब्वियसली इसके एंड पॉइंट के एंगल क्या हो जाएंगे? इसके एंड पॉइंट ये होगा, ठीक है, और दूसरा, पहला एंड पॉइंट नीचे होगा और दूसरा एंड पॉइंट ऊपर होगा. तो यहां पर अल्फा वन की वैल्यू कितनी होगी? अगर जीरो, ठीक है, और ये अल्फा टू की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो. सो इसमें अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो. तो बी को हम रखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. लिसन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड दिस. आई इसमें करंट है, ठीक है, आई इज करंट एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लो, है ना. अगर ये परपेंडिकुलर, यहां याद रखो कि हमेशा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर, एंड कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, दो बार कॉस जीरो होगा, ठीक है, दैट विल बी टू कॉस जीरो, ठीक है, टू कॉस जीरो एंड कॉस जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा. तो म्यू नॉट, और यहाँ पे करंट होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर, ठीक है, ध्यान से देखना. तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. हाँ, एक्चुअली मैं बेटर यही रहेगा, ये टू आई अपॉन आर करके याद रखो, है ना, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर करके याद रखो, क्योंकि ठीक है कैंसिल कर दोगे, मगर कुछ लोगों म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की डायरेक्ट वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है ना, और उसको याद करने में हेल्प रहती है सारे फॉर्मूले को रिलेट करने में. तो ये 2i अपॉन r आ जाएगा, ठीक है, आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर हो गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड, समझ आया? कोई नोट करनी हो तो बस समझते जाओ, ठीक है, तुम्हें पता ही चल गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा सीधे. मैग्नेटिक फील्ड बाय सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है, बी बाय सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर. सेमी, सवाल अगर जिसने किया होगा उसको समझ में आ गया होगा, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर, थोड़ा सा स्टाइलिश, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर. सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर क्या होगा? नॉर्मली इसका तो क्वेश्चन ही कर चुके हैं तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, बट एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सपोज करो ये वायर है, ठीक है, एक साइड इसका इन्फिनिटी है, दूसरा साइड यहाँ पर है, और इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, ठीक है. पहले कोई एंगल दिया था, सपोज करो ये डिस्टेंस आर के बराबर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और तो ये थियोरेटिकली आता है. तो इसमें अल्फा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, अल्फा वन तो एक एंड का एंगल होता है, ये अल्फा टू हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा वन क्या होगा इसमें? 90. अल्फा वन विल बी 90. अल्फा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा टू इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो बस वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, दैट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड आई अपॉन आर. आई अपॉन आर इज द मेन फॉर्मूला, एंड देन कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन प्लस कॉस 90 विल बी जीरो. तो द फाइनल फॉर्मूला विल बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, आई अपॉन आर. ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डायरेक्शन यहाँ पे करंट जरूर होगी जो मैंने शो नहीं की है. यहाँ पे ध्यान रखना, करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो तुम करंट जरूर दिखाओ. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी इनसाइड, इधर इनसाइड होगी, और इधर क्या होगी? आउटसाइड होगी. सिमिलरली हेयर, अगर इसमें करंट है इधर इनसाइड होगी, इधर आउटसाइड, ठीक है. तो ये दो कॉमन सी चीज आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लेंथ वायर और सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर. इसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? स्टॉप वाला बटन ना चलेगा. ठीक है,